खरगोन शहर के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर कब से मारामारी चल रही है। पहले छात्रों ने सीट को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया, मगर बाद में ऐसा चौंकाने वाला सत्य सामने आया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। जी हां, कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान NSUI ने कॉलेज में एडमिशन को लेकर प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए इस बात का खुलासा किया है कि कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक के रिश्तेदार का एडमिशन कम प्रतिशत होने के बावजूद हुआ है, जबकि हाई परसेंटेज के छात्रों का लिस्ट में नाम ही नहीं है। ऐसे में NSUI ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से हुए इस एडमिशन को लेकर निष्पक्ष जांच की बात कहते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने के बाद छात्र छात्राओं ने कॉलेज के सामने रोड पर ही हजारों की संख्या में जमा होकर चक्का जाम किया, जिससे आम लोगों को और स्कूल बसों को घंटों तक लंबे जाम में फंसकर इंतजार करना पड़ा। NSUI के छात्रों ने जमकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कॉलेज में 3 माह से जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसमें नियम विरुद्ध जो एडमिशन हुआ है उसके प्रवेश में आए। विगत 3 माह से फर्स्ट डिवीजन 60-70-80% वाले छात्र छात्राएं आज भी लिस्ट से बाहर है, पर किसी प्राध्यापक प्रोफेसर के जो रिश्तेदार है उनका फर्जी तरीके से जो एडमिशन हुए उसे उजागर करने कलेक्टर साहब को सूचित करना है, तो उस पर नियम विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो सके दंडात्मक कार्रवाई करें। इसमें आपने बताया है कि जो एडमिशन की डेट है वो लास्ट डेट कल ही आने वाली है, तो आगे कार्रवाई कैसे हो पाएगी? अब वो तो कॉलेज प्राचार्य बता पाएंगे किस पर कार्रवाई किस प्रकार से हो जाएगी। हमें उस एडमिशन के लिए नहीं, हम इस गलती किसने की है, जो बच्चे 63-64-60% वाले बाहर घूम रहे हैं, 54% वाले का एडमिशन किस तरीके से हुआ है, किसने ये 400 विजिट किए, उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो इसलिए। कितने छात्रों का ऐसा एडमिशन हुआ है? एक छात्र। कोई विशेष है क्या? किसी प्रोफेसर का रिश्तेदार है। गवर्नमेंट के अभी जो नया सरकार आया है, पहले आइए उसमें हमारे यहाँ कुछ सीट रिक्त है, लेकिन हमारे हमने चूंकि अप्लाई किया हुआ है उसका पोर्टल पर 6 तारीख को पूरा सीट प्रति का पोर्टल पर डलेगा, तो उनको दोनों को मिलाकर हम 7 तारीख को देना, 6 को डलेगा 7 को देंगे। लेकिन बच्चों की डिमांड है कि जो सीट रिक्त है उनको हमको अभी सवेरे से जो है उनको देना है, तो अभी हमने व्यवस्था करी है कि जो सीट रिक्त है उनके अभी हम मैडम छात्रों का आरोप भी प्रशासन कॉलेज प्रशासन पर आरोप भी लगाया है कि कम परसेंटेज वाले छात्रों को पहले एडमिशन दे दिए गए हैं, जिनके ज़्यादा परसेंटेज है उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया है, उनकी जो एप्लीकेशन साइन है उसमें हम जांच उठा लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। एक प्रति उन्होंने कलेक्टर साहब को भी दी है जिसमें एक बच्चे का कम परसेंटेज पे एडमिशन हुआ, वो अभी जब आएगा तो पता लगेगा कि किसके द्वारा इनिशिएट हुआ, किसने फॉरवर्ड किया, किसी प्रोफेसर के द्वारा हुआ, वो तो जांच के बाद ही बता सकते हैं, उसके पहले कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।